स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट नाइन न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आज मैं आप सभी के लिए एक खास प्रोग्राम लेकर आई हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार कहलाए जाने वाली श्रीदेवी के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि आज करवा चौथ है और आज इस करवा चौथ के मौके पर बॉलीवुड की कई तमाम बड़ी हस्तियां करवा चौथ के इस त्योहार को मनाती हुई नजर आई हैं। ये तो आप जानते हैं कि करवा चौथ के दिन पत्नी अपने पति के सलामती के लिए दुआ मांगती है, उसकी लंबी उम्र के लिए दुआ मांगती है और ऐसे ही श्रीदेवी भी अपने पति बोनी कपूर के लिए करवा चौथ का व्रत हर साल रखती थी और काफी धूमधाम के साथ वो करवा चौथ को सेलिब्रेट करती हुई नजर आती थी। लेकिन अब श्रीदेवी इस दुनिया में नहीं है। आज हम आपको बताएंगे श्रीदेवी के आखिरी करवा चौथ से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में। हम आप सभी को बताएंगे कि किस तरीके से श्रीदेवी अपना आखिरी करवा चौथ उन्होंने मनाया था और जिसकी तस्वीरें आज करवा चौथ के इस खास उत्सव पर, इस खास मौके पर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर के लिए हर साल दुआ मांगती थी, उनके लिए भूखी प्यासी पूरा दिन रहती थी और अब कहीं ना कहीं बोनी कपूर भी अपनी पत्नी को इस खास मौके पर काफी ज्यादा मिस करते हुए नजर आ रहे होंगे। वेल, श्रीदेवी के जाने का सदमा आज भी बॉलीवुड ही नहीं, परिवार ही नहीं बल्कि उनके फैंस को भी है और आज हम इस खास मौके पर यानी कि करवा चौथ के दिन आज हम आपको दिखाएंगे श्रीदेवी का आखिरी करवा चौथ कैसा रहा था। श्रीदेवी का आखिरी करवा चौथ जिसे देखकर यकीनन आप भी काफी ज्यादा भावुक हो जाएंगे। तो फिर बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते नजर आज की हमारी इस खास रिपोर्ट पर और देखते हैं कि आखिरकार श्रीदेवी का ये आखिरी करवा चौथ कितना ज्यादा बेहतरीन रहा था। करवा चौथ एक ऐसा त्योहार है जहां पूरे देश में खूब धूम मच जाती है। करवा चौथ वाले दिन औरतें एक दुल्हन की तरह सजती हैं और अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं। पूरा दिन भूखी रहती हैं और अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना मांगती हैं। वहीं आपको आज हम बताएंगे बॉलीवुड की सबसे पहली महिला सुपरस्टार कहलाए जाने वाली श्रीदेवी का आखिरी करवा चौथ। जी हाँ, श्रीदेवी अगर आज इस दुनिया में होती तो आज वो भी करवा चौथ का त्योहार मना रही होती। लेकिन अब श्रीदेवी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके आखिरी करवा चौथ के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। बी टाउन में भी कई सेलेब्स इसकी तैयारी कर रहे हैं। अनुष्का शर्मा, नेहा धूपिया और सोनम कपूर का इस बार का ये पहला करवा चौथ है। इन तीनों की शादी हाल ही में हुई थी और इन तीनों ने भी अपने पतियों के लिए काफी धूमधाम से करवा चौथ मना रही हैं और आज अपने पतियों के लिए लंबी उम्र की दुआ मांग रही हैं। वहीं अगर बात की जाए श्रीदेवी के बारे में तो आपको बता दें हवा हवाई गर्ल श्रीदेवी इस त्योहार को काफी धूमधाम से मनाती थी। श्रीदेवी अपनी देवरानी सुनीता कपूर, महीप कपूर समेत कपूर फैमिली की दूसरी सुहागनियों के साथ करवा चौथ मनाती थी। श्रीदेवी ने पिछले साल करवा चौथ की फोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थी। इस सेलिब्रेशन में शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, सुनीता, नीलम और अन्य कई बड़े तमाम सितारे नजर आए थे और इन्होंने काफी धूमधाम से, इन सारी हसीनाओं ने काफी धूमधाम से करवा चौथ का त्योहार मनाया था। श्रीदेवी करवा चौथ की मेहंदी के लिए भी खासी एक्साइटेड रहती थी। श्रीदेवी हर साल करवा चौथ पे बेहद ही खूबसूरत मेहंदी लगवाती थी। श्रीदेवी हर साल करवा चौथ में वीना नागदा से मेहंदी लगवाती थी। वीना ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था, श्रीदेवी जी मुझसे हर साल करवा चौथ पर मेहंदी लगवाती थी। अपनी माँ की तरह जानवी और खुशी को भी सुंदर मेहंदी लगवाने का बहुत शौक है। जानवी जब 2-3 साल की थी तब से मैं श्रीदेवी को मेहंदी लगा रही हूँ। इतना ही नहीं, आपको बता दे सोशल मीडिया पर श्रीदेवी का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो करीब साल 2015 का है, 2015 करवा चौथ सेलिब्रेशन का है। ये सेलिब्रेशन अनिल कपूर के घर में हुआ था। इस वीडियो में श्रीदेवी सोनम कपूर के गाने प्रेम रतन धन पायो पर डांस कर रही हैं। उनके साथ शिल्पा शेट्टी भी डांस करती हुई नजर आ रही हैं।
प्रेम रतन धन पायो भी 2015 में दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी। इस वीडियो को श्रीदेवी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया था। करवा चौथ के मौके पर फैंस श्रीदेवी को काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। आपको बता दें 25 फरवरी 2018 की सुबह श्रीदेवी हम सबको अलविदा कह गई थी, जिसके बाद से पूरे देश को एक गहरा सदमा लगा था। श्रीदेवी अपने भतीजे मोहित मारवा की शादी में शरीक होने के लिए दुबई पहुंची थी। दुबई में उन्हें हार्ट अटैक पड़ा और वो इस दुनिया को अलविदा कह गईं। श्रीदेवी के जाने के बाद एनटीआर की बायोपिक में श्रीदेवी का किरदार दिखाया जाएगा। इस फिल्म में एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह निभाएंगी। इस फिल्म के लिए रकुल का फर्स्ट लुक भी हाल ही में सामने आया था, जिसमें रकुलप्रीत बिल्कुल श्रीदेवी की तरह ही नजर आई थी। आपको बता दें श्रीदेवी इस दुनिया की पहली बॉलीवुड की सुपरस्टार महिला कहलाई जाती हैं। श्रीदेवी ने बॉलीवुड को कई तमाम बड़ी हिट फिल्में दी हैं। आज भी श्रीदेवी को याद किया जाता है। जब से श्रीदेवी इस दुनिया को अलविदा कहकर गई हैं, तभी से फैंस को एक गहरा सदमा लगा है और आज भी बोनी कपूर इस गहरे सदमे से उभर नहीं पाए हैं। और आज यकीनन करवा चौथ के इस खास त्योहार पर बोनी कपूर अपनी पत्नी श्रीदेवी को बेहद याद कर रहे होंगे, क्योंकि करवा चौथ वाले दिन श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर के लिए काफी खूबसूरत एक दुल्हन की तरह सजती थी और हमेशा ही अपने पति बोनी कपूर की लंबी उम्र की कामना मांगती थी, दुआएं मांगती थी। सिर्फ श्रीदेवी ही नहीं बल्कि हर पत्नी अपने पति के लिए इस खास मौके पर व्रत रखती है और अपने पति की सफलता के लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए दुआ मांगती है। वहीं आज अगर श्रीदेवी भी होती तो वो आज अपने पति बोनी कपूर के लिए करवा चौथ का व्रत रखती। आपको बता दें शिल्पा शेट्टी के साथ श्रीदेवी की काफी अच्छी बॉन्डिंग रही है। तो वहीं श्रीदेवी अनिल कपूर के घर करवा चौथ का ये त्योहार मनाती थी। सारी महिलाएं इस मौके पर इकट्ठी होती थी, पूजा करती थी और श्रीदेवी एक दुल्हन की तरह हर करवा चौथ पर सजती थी सिर्फ और सिर्फ अपने पति बोनी कपूर के लिए। आज बोनी कपूर भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा भावुक हो रहे होंगे, क्योंकि अब श्रीदेवी इस दुनिया में नहीं रही हैं। अगर श्रीदेवी आज होती तो आज वो इस त्योहार को काफी धूमधाम से मनाती। करवा चौथ है और इस बार करवा चौथ पर श्रीदेवी हम सब के बीच नहीं है। तो आपको बता दे श्रीदेवी की पुरानी वीडियो, पुरानी फोटोज वायरल हुई हैं, जैसा कि आपने देखा ही है कि श्रीदेवी शिल्पा शेट्टी के साथ करवा चौथ के मौके पर किस तरीके से डांस करती हुई नजर आई। बोनी कपूर के साथ भी उनकी बेहद ही प्यारी तस्वीर सामने आई है। दोस्तों देखा आपने कि किस तरीके से करवा चौथ के इस खास मौके पर श्रीदेवी हमेशा ही दुल्हन की तरह सजती थी, पूजा करती थी। यहाँ तक कि शिल्पा शेट्टी उनके साथ काफी ज्यादा पूजा करती थी। शिल्पा शेट्टी हर बार करवा चौथ के इस खास उत्सव पर श्रीदेवी के साथ होती थी। तो वहीं बोनी कपूर की लंबी उम्र के लिए किस तरीके से श्रीदेवी भूखी रहती थी, पूरा दिन पूजा करती थी और उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगती थी। वेल, एक पत्नी का फर्ज होता है पति के लिए हर करवा चौथ पे व्रत रखने का और श्रीदेवी अपनी पत्नी होने का फर्ज बखूबी हर साल निभाती थी। श्रीदेवी तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन श्रीदेवी के जाने का गम आज भी है और आज इस करवा चौथ के मौके पर श्रीदेवी के परिवार वाले, उनके फैंस उन्हें बेहद मिस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले करवा चौथ पे श्रीदेवी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कई सारी तस्वीरें करवा चौथ के दौरान शेयर की थी। बोनी कपूर के साथ भी उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर करवा चौथ के दौरान की वायरल हो रही थी और एक बार फिर से आज इस खास मौके पर फिर से श्रीदेवी की यही तस्वीरें, जैसा कि आपने हमारी इस खास रिपोर्ट में देखा, कितनी ज़्यादा वायरल हो रही हैं और फैंस श्रीदेवी को याद भी करते हुए नजर आए हैं। लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त, क्योंकि अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का और इस प्रोग्राम का यहीं पर दी एंड करने का।
पर आप निराश ना होइए, एक बार फिर लौटूंगी इसी प्रोग्राम के साथ, ऐसे ही कुछ दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप बॉलीवुड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ को।